जय हिंद, गुड मॉर्निंग। आज आप लोग का हमारे नए वीडियो में स्वागत है। तो इसके पहले आप वीडियो देखे होंगे, स्पोर्ट कॉलेज का ट्रायल आ गया है और उसका ऑनलाइन फॉर्म भी आ गया है। तो हम आपको दोनों वीडियो बना के अपलोड भी किए हैं और उसमें हम ये भी बताए हैं कि फॉर्म में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और कैसे फॉर्म भराएगा और क्या क्या गेम है और कहाँ कहाँ पर गेम है। तो अभी आज हमारे भी कमेंट आया था कि गर्ल्स का एथलेटिक्स होता है कि नहीं, तो गर्ल्स का एथलेटिक्स गेम नहीं होता है। और हम बताना चाहते हैं, बहुत लोग को ये नहीं पता है कि फिजिकल में क्या होता है और स्पोर्ट कॉलेज का फिजिकल कैसे होता है। तो हम आपको बताना चाहते हैं, फिजिकल में 800 मीटर और 100 मीटर और शटर रन और बॉल थ्रो मतलब मेडिसिन बॉल को फेंका जाता है और ब्रॉड जंप, ब्रॉड जंप मतलब खड़े होकर जंप करते हैं। तो ये 5 इवेंट 50 नंबर का है, एक इवेंट 10 नंबर का है। तो ये हम आपको आज पूरा वीडियो बना के दिखाएंगे। हमारे साथ 3 या 4 छोटे छोटे भाई आएंगे, उनको हम पूरा ये 5 इवेंट हम दौड़ाएंगे, दिखाएंगे आपको वीडियो में पूरा। आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करिएगा कि उनको भी पता चल जाए कि स्पोर्ट कॉलेज के ट्रायल में फिजिकल कैसे होता है। और आपको हम ये भी बताना चाहते हैं कि स्पोर्ट कॉलेज के ट्रायल में नहीं, स्टेट हॉस्टल में और साई का जो ट्रायल होता है उसमें भी ऐसा ही फिजिकल होता है जो हम आपको आज फिजिकल बताने वाले हैं। तो ये फिजिकल स्पोर्ट्स के ट्रायल में, कॉलेज में, साई में, स्टेट हॉस्टल में, कहीं भी आप जाएंगे तो ये ट्रायल होना ही होना है। 5 इवेंट, तो ये 5 इवेंट जो होता है 50 नंबर का होता है और जो 50 नंबर का होता है वो आपका स्केल होता है जिसको मेन इवेंट बोलते हैं। तो मेन इवेंट भी 50 नंबर, ये टोटल 100 नंबर का मान लीजिए एक टाइप में पेपर होता है, उसी 100 नंबर में से जो ज़्यादा ज़्यादा नंबर लाएगा उसी का हॉस्टल में होता है। तो आप कोशिश करिएगा बेस्ट देने का, कोई भी चीज़ जैसे 800 मीटर या 100 मीटर या जंप, उसको बेस्ट देने का कोशिश करिएगा। तो अभी आपको हम बताएंगे कि 800 मीटर और 100 मीटर जंप और बॉल थ्रो और शटर रन कैसे करते हैं। बहुत लोग को ये भी नहीं पता कि कैसे करते हैं और क्या चीज़ होता है बॉल थ्रो, मतलब क्या बॉल, कैसे बॉल मिलेगा, शटर रन मतलब कैसा शटर रन होता है और ब्रॉड जंप मतलब कैसे जंप करते हैं, ये भी नहीं पता है। तो इनको बताना आज हम बताएंगे आपको, आप वीडियो पूरा दिखिएगा। और एक बात और बताना चाहते हैं हम कि हमारे पे कॉल और कमेंट बहुत आ रहा था, क्रिकेट के जैसे और हॉकी के, फुटबॉल के लोग कमेंट करते हैं, जैसे क्रिकेट के कमेंट कर रहे हैं कि भाई हमें मंडल पे किट लेके जाना है कि नहीं लेके जाना है। तो हम आपको बता दें कि किट जो जैसे फुटबॉल की क्रिकेट की किट होती है वाइट वाइट और जूता, तो उनको ये चीज़ तो लेके जाना है, जैसे वो बैट्समैन है तो उनका बैटिंग और पूरा जैसे पूरा उनका किट होता है पैड वोड सब, उनको पूरी व्यवस्था अपनी लेके जाना है। और बॉलर हैं तो बॉलर को भी पूरी अपनी व्यवस्था लेके जाना है। जैसे हॉकी वाले हैं तो हॉकी वालों के अपने पास हॉकी और ग्लव्स और जो पैड होता है ये पूरी व्यवस्था लेके जाना है। ऐसे जितने भी गेम वाले हों उनकी जितनी भी किट होती हो वो किट अपने मंडल पे लेके जाएंगे और वही किट वो स्टेट में भी लेके जाएंगे। जैसे उनका मंडल से सिलेक्शन होगा तो स्टेट में भी वो किट लेके जाएंगे, ऐसा ना हो कि मंडल पे दे दिए तो हम स्टेट के लिए तैयारी ना करें। तो जिसका मंडल पे हो जाएगा वो स्टेट के लिए तैयारी करेगा, उसके लिए ऑल द बेस्ट और तैयारी अच्छे से करिएगा। क्योंकि आपको पता है कि स्पोर्ट कॉलेज में व्यवस्था कितना बढ़िया है और स्पोर्ट्स का जो माहौल है बहुत मस्त है। और आपको पता होगा ही कि सफाई में, गोरखपुर में और लखनऊ में क्या क्या गेम है और गर्ल्स कहाँ हैं। गर्ल्स तो गोरखपुर में है, सफाई और लखनऊ में गर्ल्स नहीं हैं। तो आपको आइए हम आप दिखाते हैं ये 5 इवेंट का जो फिजिकल है, ये आपको फिजिकल दिखा दें, फिजिकल कैसे होता है। तो हम आपको पूरा आगे हम स्टार्ट करेंगे 100 मीटर से, 100 मीटर के बाद फिर हम उसके बाद कराएंगे जंप या मेडिसिन बॉल या शटर रन, लास्ट में हम कराएंगे 800 मीटर। तो आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा और वीडियो में आप कमेंट ज़रूर करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए हम आपको दिखाते हैं फिजिकल। तो जैसे हम वीडियो में आपको बताए थे कि पहला स्टार्ट करेंगे हम 100 मीटर से, तो ये आर्यन है और ये धामा है, ये दोनों लोग आपको पूरा 5 चीज करके दिखाएंगे कैसे होता है। ये भी क्लास 6 में भी आए थे, इस बार 7th में हो चले गए हैं, इनको स्पोर्ट कॉलेज में आए हुए 1 साल हो गया है। ये मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट कॉलेज सेफई डामा स्पोर्ट कॉलेज में रहते हैं, तो इनको पूरी पता है और ये करके वहाँ से आ भी चुके हैं। तो हम आपको बताना चाहते हैं, आप 100 मीटर या तो 800 मीटर भागने के पहले आप 10 से 15 मिनट वार्म अप और एक्सरसाइज और स्टाइल लगाने के बाद ही कभी भागेगा, ऐसा ना हो कि हम
स्टेयर पे या कहीं बैठे रहें और वहाँ बोला गया कि आओ 100 मीटर भागना है तो तुरंत हम चल दिए, तो ऐसा कभी मत करिएगा। वार्म अप करके ही 100 मीटर भागेगा, ये नहीं कि हम कहीं से बाहर से आ रहे हैं ये हैं वो हैं भाग जाएं तुरंत। तो मंडल और स्टेट पे दोनों पे वार्म अप करके भागेगा। तो आगे हम पहला स्टार्ट करते हैं 100 मीटर, ये हम 100 मीटर स्टार्टिंग पॉइंट पे हैं। अब हम लोग चलेंगे फिनिशिंग पॉइंट पे, फिनिशिंग पॉइंट से आपको दिखाते हैं 100 मीटर स्टार्टिंग। भागोगे ना आप बढ़िया से, तो आइए अब चलते हैं हम लोग 100 मीटर फिनिशिंग पॉइंट पे। तो ये देखिए 100 मीटर की स्टार्टिंग है और 100 मीटर की स्टार्टिंग पे ऐसे ही बैठाते हैं और ऐसे ही स्टार्ट लेते हैं। तो ये स्टार्टिंग है, अब ले चलते हैं आपको फिनिशिंग पे। तो अब हम देखिए फिनिशिंग पे आ गए हैं, आप हमारे पीछे देख रहे हैं दो हमारे भाई हैं। तो अब आपको दिखाते हैं 100 मीटर स्टार्टिंग से फिनिशिंग तक। तो ये हमारा 100 मीटर रेस कंप्लीट हुआ। ये 100 मीटर भागे हैं 12:40 की, तो सोचिए 12:40 के भागे हैं और वहाँ पे कोई 12:40 के भागेगा तो उनको 10 में से 10 नंबर मिलेगा। इस बात का हम बताते हैं कि 10 में से 10 नंबर मिलेगा कि 12:40 में भागेंगे। तो अब आपको हम दिखाते हैं ब्रॉड जंप कैसे करते हैं। आइए अब ले चलते हैं आपको ब्रॉड जंप के पास। तो आइए अब हम आ गए ब्रॉड जंप के पास और हम आपको बताएं ब्रॉड जंप कैसे करते हैं। ब्रॉड जंप करने के बाद आप आगे जाइएगा, कहीं पीछे आप हाथ रखेंगे या तो पीछे चले जाएंगे तो ब्रॉड जंप जहां आप पीछे पैर रखेंगे वहां से ही नापा जाएगा, या तो जंप करने के बाद यहां पीछे हाथ रखेंगे तो वहां से ही नापा जाएगा। तो कोशिश करिएगा कि जंप करने के बाद आप आगे जाइए, पीछे मत जाइएगा। और हम बताएं कि जैसे मंडल पे या तो स्टेट में एक चांस या दो चांस मिलेगा, उससे ज़्यादा आपको चांस नहीं मिलेगा। तो आप कोशिश करिएगा कि फर्स्ट बार में ही सबसे ज़्यादा जंप करने का कोशिश करिएगा। और जंप करते हुए आप जैसे जंप किए तो आप ऐसे करके जंप ना करिएगा, आप ऐसे करके जंप करिएगा कि जंप करके आप आगे चले जाइए, कहीं पीछे जाएंगे तो आपका पीछे से ही नापा जाएगा, तो आपका जो है बहुत कम हो जाएगा डिस्टेंस। तो देख लीजिए जंप कैसे होता है। हाँ बढ़िया करना है, चलो बस। तो ये देखिएगा, ये पैर का जो लास्ट का निशान होता है वहाँ से ही नापा जाता है, ये पैर का लास्ट का निशान जो है, इसको इससे आगे चलना है, चलो शाबाश। तो हाँ यहाँ पास में, तो ये देखिए जैसे ये पैर का निशान है लास्ट में, तो जो पीछे का पैर होता है वही हिस्सा नापा जाता है, ये आगे का जो हिस्सा है उसको नहीं नापा जाता है। तो आप जैसे आप यहाँ जंप किए और जंप करने के बाद यहाँ पैर पीछे रख दिए तो आपका यहाँ से नापा जाएगा, यहाँ से नहीं नापा जाएगा। तो इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि आप जंप करने के बाद आगे जाइएगा, पीछे मत जाइएगा, नहीं तो आपको पीछे से नापा जाएगा। तो ये था ब्रॉड जंप। ब्रॉड जंप में हम बता दिए कैसे ब्रॉड जंप करते हैं। अब आपको ले चलते हैं मेडिसिन बॉल थ्रो। तो आइए चलते हैं मेडिसिन बॉल थ्रो पे। तो ये देखिए मेडिसिन बॉल है, ये हम लोग के पास तो 2 kg का है, लेकिन आपको मंडल में और स्टेट में 1 kg का बॉल मिलेगा। तो हमारे पास 1 kg का बॉल था और बाकी वो थोड़ा फट गया था ढेर बॉल, तो इसलिए हम लोग 2 kg का बॉल लिए हैं। और इसको कैसे पकड़ते हैं और कैसे बैठते हैं आइए हम आपको बता दें। देखिए जैसे यहाँ पे एक निशान रहेगा, वाइट कलर का पट्टी रहेगा, और कैसे बैठते हैं बैठ के बताइए। ये पैर का जो डिस्टेंस है ये इतना रहेगा, और बॉल कैसे पकड़ते हैं और बॉल को कैसे फेंकते हैं ये हम बता दें। बॉल को देखिए ऐसे पकड़ते हैं, बॉल को ऐसे पकड़ना है और पूरा पीछे से फेंकना है। तो हमारा छोटा भाई आपको पूरा बताएगा बॉल कैसे पकड़ना है और कैसे फेंकना है। तो बॉल आगे पकड़ लीजिए आप, हाँ पूरा ऐसे, ये पीछे रहेगा पूरा, हाँ और पूरा ला के फेंकना है। तो ये देखिए ऐसे बैठे हुए हैं और बॉल कैसे फेंकते हैं आप इधर से दिखाइएगा। आप तो ये हम लोग का 2 kg का बॉल है तो इसलिए बहुत भारी है, और 1 kg का आपको बॉल बहुत हल्का मिलेगा तो आप बहुत दूर फेंक देंगे। तो ये देखिए कैसे फेंकते हैं, ये चीज़ अभी फिट करेंगे। देखिए ऐसे ही बाल पकड़ना है और इसके पैर का जो है ऐसे पैर खोल के यहाँ पे निशान जो रहता है उस पर बैठना होता है,
और बॉल ले जाके पीछे, मतलब जितना भी ज़्यादा पीछे जाएंगे और उसको हाई देंगे उतना ही दूर बॉल जाएगा। तो देखते हैं कैसे फेंकते हैं ये। बस तो ये देखिए ऐसे ही होता है मेडिसिन बॉल, बॉल ऐसा ही रहेगा, 1 kg का बहुत हल्का बॉल होता है और ऐसे पकड़ना है और ऐसे ले जाकर पूरा ऐसे बॉल को फेंकना है। तो आप जितना बैक जाएंगे और फास्ट आएंगे हाई, मतलब हाइट दीजिएगा, बॉल को नीचे से नहीं फेंकना है, हाइट देंगे तो बॉल बहुत दूर जाएगा। तो ये था हम लोग का मेडिसिन बॉल थ्रो। अब आपको हम दिखाते हैं शटर रन। शटर रन में हम दिखाएंगे आपको, जैसे ये एक निशान है, ये आप एक निशान देख लीजिए, उसके बाद आपको हम दिखाते हैं ये दूसरा निशान, ये दूसरा निशान है। इस दोनों निशान का जो डिस्टेंस है 10 मीटर है, 10 मीटर का डिस्टेंस मिलेगा आपको मंडल पे भी और स्टेट पे भी। 3 बार इधर जाना है और 3 बार इधर जाना है, तो इसको 6 बार टोटल शटर रन करते हैं। और शटर रन मतलब ये होता है कि आप भागते हुए जाएंगे और इसको ऐसे टच करेंगे, फिर इसी हाथ से इधर से भी टच करिएगा, ऐसे नहीं कि आप ऐसे टच किए तो फिर घूम के फिर ऐसे टच करेंगे, तो इससे आपका जो टाइम है आपका अधिक लग जाएगा। तो आप स्टार्ट लेंगे ऐसे इधर से टच करिएगा, फिर इधरी से भाग के इस हाथ से टच करिएगा, मतलब या तो ऐसे टच करिएगा दोनों हाथ से, या तो इधर से पीछे से ऐसे टच करिएगा, बाकी आप इधर से टच करके घूमिएगा मत। घूमेंगे तो आपको जो टाइम है, ज़्यादा टाइम लगेगा तो आपको जो नंबर है बहुत कम नंबर मिलेगा। तो हम दिखाएंगे जैसे इन लोग को छोड़ेंगे, आप देखिएगा इन लोग कैसे भाग रहे हैं, आप पूरी हर चीज़ पे ध्यान दीजिएगा कैसे भाग रहे हैं, किधर का क्या है और कितना टच कर रहे हैं। तो आइए आपको हम दिखाते हैं अब शटर रन। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं शटर रन। शटर रन 6 बार टच करना होता है, 3 बार उधर 3 बार इधर, तो वीडियो देखिएगा कैसे शटर रन होता है। तो ये भूल गए थे कि इनको कितने बार भागना है, तो 6 बार हो गया, 3 बार इधर 3 बार इधर छूना था। ऐसे होता है शटर रन, जिस साइड से आप जाएंगे उसी साइड से इधर भी टच करना है, ऐसे नहीं कि इधर टच करने के बाद आप इधर टच करेंगे तो ऐसे जो आपका टाइम है वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगेगा। तो 10 नंबर का एक होता है तो आपको बहुत कम नंबर मिलेगा, तो थोड़ा आपको भी सोचेंगे कि हम बहुत बेस्ट भागे हैं, बहुत बढ़िया भागे हैं, बाकी आपको पता ही नहीं चलेगा कि टाइम इतना ऊपर कैसे चढ़ गया। तो जितना कम से कम आपको टाइम देंगे, कितना कम से कम टाइम लगेगा उतना आपको बढ़िया नंबर मिलेगा। तो ये था हम लोग का शटर रन। अब लास्ट बचा है 800 मीटर, तो ले चलते हैं आपको 800 मीटर दिखाने के लिए। आइए तो आइए अब हम लोग आगे 800 मीटर पे। ये 800 मीटर होता है, 400 मीटर का ग्राउंड होता है, ग्राउंड का 2 चक्कर मारना होता है। आपको मंडल पे भी 400 मीटर ग्राउंड मिलेगा और स्टेट पे भी 400 मीटर ग्राउंड मिलेगा, और ये जितने भी गेम है सबका फिजिकल यही होता है। तो ये मत सोचिएगा कि ग्राउंड छोटा मिलेगा, ग्राउंड छोटा नहीं मिलेगा, 400 मीटर ग्राउंड है, उसका 2 चक्कर मारना होता है। ये जो ग्राउंड, जिस ग्राउंड पे हम लोग हैं वो भी ग्राउंड 400 मीटर का है। तो ये दोनों हमारे छोटे भाई हैं, ये आपको 800 मीटर भाग के दिखाएंगे कैसे भागते हैं। तो 800 मीटर मतलब बढ़िया भागेंगे कि नहीं? बेस्ट भागेंगे, जितने के भाग के उससे बढ़िया भागेंगे। तो ये भी दोनों जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये भी आपके ही जैसे लोग स्पोर्ट कॉलेज में ट्रायल देके आए हैं। आपका कौन सा मंडल है? मेरा मिर्जापुर मंडल है। इनका मिर्जापुर मंडल है, आपका सहारनपुर, इनका सहारनपुर मंडल है। तो ये दोनों भी सोचिए बाहर के लड़के हैं, ये भी ऐसे ही आपके जैसे ही थे, मंडल पे ट्रायल दिए, फिर वहाँ से पास हुए, फिर स्टेट पे ट्रायल दिए, फिर ये तब स्पोर्ट कॉलेज में आए हैं। और हम भी ऐसे आए हैं, हम भी 2016 में ऐसे ही ट्रायल दे के आए थे, हम तो 2016 में यहाँ पे आ गए थे, मंडल पे दिए थे, उसमें पास होने के बाद फिर मैं स्टेट में ट्रायल दिया था। तो आप वीडियो देखिएगा लास्ट तक, 800 मीटर कैसे भागते हैं, और रेस नहीं छोड़िएगा। बाकी एक बात बताऊँगा, रेस आप बीच में मत छोड़िएगा, ये नहीं कि आप 800 मीटर भाग रहे हैं तो बीच में मेरा पेट पकड़ लिया ये हो गया, तो पेट वो जिसका पकड़ता होगा वो सीटअप उटअप थोड़ा मारते रहे, और हाथ तो जिसका भरता होगा वो पुशअप उशअप थोड़ा मारते रहे, क्योंकि रेस छोड़ देंगे तो मतलब आप फिजिकल में अनफिट हैं, तो आपको अनफिट माना जाएगा, तो आपको वही यहाँ से हटा दिया जाएगा। फिर आप सोचिए दोबारा भागे तो दोबारा में आपको बहुत मतलब वो भगाएंगे ही नहीं, तो इसलिए जो साथ में आप भाग जाएंगे आप लगे रहिएगा, ऐसा ना हो कि थक गए भर गया तो आप सोचिएगा कि माँ बाप का नाम भी होगा हॉस्टल में आप आ जाएंगे। तो आप 800 मीटर जो है 2 राउंड वो पूरा करिएगा। तो आइए हम आपको दिखाते हैं 800 मीटर, आइए
तो 800 मीटर रेस छूट गया है, आप 800 मीटर दो चक्कर रेस देखिए। फास्ट कहीं आप एक साथ भागेंगे तो आपको जैसे वहाँ पे 10 या 15 लोग छोड़ेंगे एक साथ, तो आप एक साथ भागेंगे तो आप भाग जाएंगे, और अकेले ऐसे 800 मीटर पूरा करने में बहुत दिक्कत होता है। तो आप 800 मीटर भागते टाइम रेस कभी ना छोड़िएगा, नहीं तो हम आपको जैसे पहले बताए थे कि आप फिजिकल में अनफिट हैं तो ऐसे अनफिट आपको माना जाएगा। आपको 800 मीटर स्लो ही भागिए, भागिन भागते रहिएगा, और आपका जैसा टाइम रहेगा ऐसा ही आपको नंबर मिलेगा, टाइम के हिसाब से ही नंबर मिलता है। तो ये 300 मीटर कंप्लीट हुआ, एक राउंड 400 मीटर का है, बहुत बढ़िया भाग रहे हैं। बहुत बढ़िया, देखिए जैसे पीछे वाले बंदा आगे वाले बंदे को एकदम पकड़ा हुआ है, छोड़ा नहीं है, तो बहुत बढ़िया। एक 12 एक 13 पहला लैप एक 12 एक 13 गया है, तो जैसे ये पीछे वाला बंदा पकड़ा हुआ है छोड़ नहीं रहा है, ऐसे आप भी किसी आगे वाले बंदे को एकदम पकड़ लीजिएगा, उसको छोड़िएगा नहीं, तो ऐसे क्या रहेगा, जो आपका जान है पीछे वाले बंदे का कम लगता है और आगे वाले बंदे का ज़्यादा। देखिए अब जैसे पहले राउंड से कुछ स्लो हो गए हैं, तो ये होता है कि फर्स्ट वाला जो राउंड है बहुत फास्ट जाते हैं लोग, और दूसरा राउंड बहुत स्लो जाते हैं। थोड़ा तेज करिए, तेज तेज करो तेज। तो और बाकी ये बताएंगे कि इन लोग के साथ गार्जियन ना भागेंगे मंडल पे या स्टेट पे, नहीं तो बच्चे को हटा दिया जाता है। तो 600 मीटर कंप्लीट हुआ, लास्ट का 200 मीटर है, और जो लास्ट का 150 मीटर 100 मीटर बचेगा तो आप वहाँ से रेस उठा दीजिएगा, ऐसा ना हो कि आप स्लो कर दीजिएगा। तो लास्ट में आपको रेस उठाना है, स्लो नहीं करना है। लास्ट का 120 मीटर बाकी है, 800 मीटर कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए फिनिशिंग, वेरी गुड। तो जैसे देखें आप कि ये दोनों एक साथ भागें, तो ऐसे जो फर्स्ट वाला बंदा चलेगा उसको आप पकड़ के चलिएगा, ऐसा ना हो कि आप पीछे रहते रहेंगे, पीछे चलते रहेंगे तो आपको जो टाइम है बहुत ख़राब टाइम लगेगा। आपको पता है कि जितना अभी आप बेस्ट टाइम लगाएंगे आपको उतना ज़्यादा ज़्यादा नंबर मिलेगा। तो और ये बताएंगे, जैसे मंडल और स्टेट में होता है कि बच्चे भागते हैं तो उन्हीं के साथ जो जो उसमें उनके गार्जियन भी लगते हैं बगल में, या तो अंदर से या तो बाहर से भागने, तो ऐसा गलती आप मत करिएगा। गार्जियन से निवेदन रहेगा कि आप बच्चों के साथ में ना भागें, क्योंकि वहाँ पे जो अधिकारी आते हैं वो नाराज़ हो जाते हैं तो बच्चों को वहाँ से डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, तो दिक्कत हो जाता है फिर इन बच्चों के लिए कि पापा आप भाग गए नहीं तो हम भाग जाते हैं और हम आपके चक्कर में डिस्क्वालीफाई हो गए। तो आप स्टेट और मंडल में किसी भी पाँचों इवेंट में आप बच्चों के साथ ना भागिएगा। तो ये था हमारा स्पोर्ट कॉलेज का फिजिकल, और जो स्किल है स्किल में हम आपको बताना चाहते हैं। आप इधर आ जाइए, और इधर आ जाइए आप लोग। जैसे में हम स्किल बताना चाहते हैं कि क्रिकेट वालों के लिए ये बताना चाहते हैं कि 5 इवेंट होने के बाद आपका, जैसे आप क्रिकेट में बॉलिंग करते हैं तो आपको फिर बॉलिंग कराया जाएगा, आप बैटिंग करते हैं तो आपको बैटिंग कराया जाएगा, आप कीपिंग करते हैं तो आपको कीपिंग कराया जाएगा, ये टोटल 50 नंबर का रहेगा। और आप बैट्समैन हैं तो वो बैटिंग करेंगे तो 50 नंबर का रहेगा, टोटल 100 नंबर का होता है फिजिकल और स्किल मिला के। तो इन दोनों ने बढ़िया किया, और आपको
बताएं कि कैसे होता है कैसे नहीं होता है, तो आपको पूरी जानकारी मिल गई हो। और प्लीज़ आपको वीडियो अच्छा लगे तो इन दोनों के लिए एक बार लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, और एक प्यारा से सुंदर से इन दोनों लोग के लिए एक कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट में जो भी कुछ भी करेंगे तो हमको लगेगा कि आप हमें और हमारे दो छोटे भाई को आप सपोर्ट किए हैं, और आपको वीडियो अच्छा लगे या तो वीडियो अच्छा लगे तो आप कुछ भी गुड नाइस कुछ भी लिख के डालिएगा, तो ऐसे लगेगा कि हाँ आप हम लोग के साथ हैं। तो आगे भी हम आपको वीडियो इससे भी ज़्यादा ज़्यादा और इससे बढ़िया बढ़िया वीडियो आपको बना के देंगे और देखने के लिए मिलेगा। और हम ये भी बताएंगे, आपको किसी भी चीज़ का दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूँगा कि कैसे होता है। बाकी आपकी किट बैग किट स्पाइक जो भी बैट हॉकी फुटबॉल जो भी हो ये सब चीज़ लेके आप अपने मंडल पे जाएंगे, और कितने तारीख को ट्रायल है आप उतने तारीख को मंडल पे जाइएगा। कुछ लोग ऑनलाइन फॉर्म भरे हैं तो उसका जो रिसीविंग है वो रिसीविंग लेके जाएंगे मंडल पे, कुछ लोग ऑफलाइन फॉर्म भरे हैं तो सोच रहे हैं कि ट्रायल तो 10 तारीख को है तो हम 8 तारीख को पहुँच जाएँ, तो नहीं, आपका 10 तारीख को ट्रायल है तो आप 10 तारीख को पहुंचिएगा, 8 तारीख को मत जाइएगा, क्योंकि 8 तारीख को आपको ग्राउंड पे कोई नहीं मिलेगा। जिस दिन ट्रायल लगेगा आप उसी दिन पहुंचिएगा, और आप बेस्ट करिएगा, जब आप मंडल में पास होंगे तभी आप स्टेट में जाएंगे, स्टेट में जब पास होंगे तब आप हम लोग के जैसे देखिए ये हमारे छोटे भाई हैं, और आप हमारे पहले भी वीडियो में देख लीजिएगा इनसे भी छोटे भाई हैं जो स्पोर्ट कॉलेज सेफई में रहते हैं, उनसे आपको सीखने के लिए बहुत चीज़ मिल जाएगा, बहुत छोटे छोटे भाई हैं। आप भी आएंगे तो आपका भी हमारे सेफई में स्वागत है, हम आपका स्वागत करेंगे। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जय हिंद।